हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है, अभी हमारा जो पहला विंटर राइड स्टार्ट हो गया है। हम अभी बारीपदा से जा रहे हैं झारखंड, और झारखंड मतलब टाटा जा रहे हैं। और आप किसी को बताइएगा मत कि ये मेला थोड़ा ऑफिशियली काम भी है उसमें वहाँ पर, तो इसलिए जा रहे हैं। और ऐसे समझ सकते हैं कि ये विंटर राइड भी है। और हम लेके निकले हैं आज फैल्कन, और फैल्कन का ये पहला ऑफिशियल राइड होने वाला, क्योंकि फैल्कन एक दो बार बाहर गया है लेकिन उसका कोई भी वीडियो नहीं है। और थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आउटसाइड साइड नॉइज़ को, और आई होप आपको जो सिनेमेटिक है कुछ अच्छा लगा होगा। और अभी हम फिलहाल हैं बोड़ागुड़ा क्रॉस करके, हम 10 या 15 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। करीबन हमने बारीपदा से 78 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी करीबन बजा है 7:30 ऐसा बज रहा होगा। हमने क्या किया ना, आज जो हमारा राइडिंग जैकेट का विंटर लाइनर है वो नहीं लाए, इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो आपका भाई का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा चाय का ब्रेक लिया था, और ऐसे ही वीडियो घर से स्टार्ट नहीं किए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लेट में, मतलब हमारा टाइम था 5 बजे राइड स्टार्ट करने का, लेकिन हम घर से करीबन निकले 6:30 या 6 बजे ऐसे निकले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लेट निकले थे। तो वही है सीन, चलिए चलते हैं अभी। हैं हाँ, सो गाइस अभी फिलहाल हम निकल चुके हैं वहाँ से। पहला टोल नाका, और हमारे लिए कोई टोल गेट नहीं। सुबह सुबह अभी सिर्फ चाय पिए हैं और कुछ नहीं, खाने के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला। रोड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये डोमिनर का सिस्टम मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जब हम टाउन में चलाते हैं वो करीबन 30-31 का ऐसा माइलेज हमें देते हैं, 29 तो मैक्स ही देती है, लेकिन जब हाईवे में हम चले आए तो इसको थोड़ा देना चाहिए था, उतना ही देता तो चलता, लेकिन अभी वो 23 का माइलेज दे रहा है, पता नहीं क्यों। क्या सीन है, क्या सिस्टम है भैया, उसी को पता। और विंटर लाइनर नहीं लाने का मुझे आज सजा मिल रहा है। गाइस अभी हम फिलहाल मानगो के बहुत करीब आ चुके हैं, 1 या 2 किलोमीटर यहाँ से रहा होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो एरिया है, व्यू एकदम चेंज हो चुका है। और आपको जैसे पता है इन पहाड़ों के पीछे ही डीमना लेक है, और हम जाएंगे सीधा, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मानगो में थोड़ा काम है उसको ख़त्म करने के बाद हम सीधा चलेंगे। शायद मुझे हज़ार बंद कर लेना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए, मुझे नहीं पता, बंद कर दूं तो अच्छा होगा शायद। ओके, मैंने अपना 1000 बंद कर दिया है। पता नहीं कौन कहां से चला आए भैया, बोल दे कि भैया इंडिकेटर अपना सही नहीं दिया, तो इसी वजह से हमने अपना 1000 बंद कर दिया है। और हमारे साथ चल रहा है रोहित, और
हम तो अपना राइड खूब अच्छे तरह से इंजॉय कर रहे हैं, हमें अभी तक कोई पेन या कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे पता नहीं रोहित का हालत क्या है। मान को पहुंचने के बाद रोहित से पूछेंगे कि उसका हालत क्या है। तो हेलो गैश, तो अभी हम आप जैसे कि पता है आपको, हम मानगो पहुंच गए थे। तो अभी है हम मानगो बिग बाज़ार जोन वन के पास, और यहाँ पे हमने अमृत भोग में अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। यहाँ का जो कचौड़ी और समोसा का जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा ही एक नंबर। साइड में श्री राम लक्ष्मण हनुमान मंदिर है, NH 33 महावीर कॉलोनी। तो जो भी आके यहाँ पे फूड ट्राई करना चाहते थे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है। और हमारे झारखंड भाइयों को बहुत सारा प्यार, हम आपके यहाँ आ चुके हैं। चलिए ऐसे ही प्यार देते रहिए और वीडियो पे बने रहिए। अभी बेहतरीन वादियों के साथ हम निकल चुके हैं। मंदिर है, सो हम यहाँ पे चांडिल के गेट में आ चुके हैं। लास्ट टाइम यहीं पे खड़े होके सत्यजीत और हम सब यहाँ पे फोटो खिंचवाए थे, और अभी हम एंट्री कर रहे हैं चांडिल की तरफ अपने फैल्कन के साथ। पिछली बार आए थे बनी के साथ, अभी आए हैं फैल्कन के साथ। ये है चांडिल रोड। तो जैसे कि आप सब पहले देखे होंगे हमारे वीडियो में, तो हो गया यहाँ आने 2 साल हो गया यहाँ आते आए हुए मुझे। फोटो फोटो उठे हुए तो गाइस, अभी चांडिल का जो निचले हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। यही है चांडिल डैम, हम उसके घूम के उसके ऊपर जाएंगे। यहीं पे रुकते हैं, कुछ फोटोशूट करते हैं, उसके बाद चलते हैं। गोटा फोटो उठाना। चांडिल डैम बोटिंग कॉम्प्लेक्स, चलिए चलते हैं। उधर कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं, हम इधर चलते हैं अंदर ऊपर। लाइटिंग जबरदस्त है, पहले से ज़्यादा रोड बहुत अच्छा है। 3-4 बंकर हैं यहाँ पे, मेरा 2-4 मिसाइल वहाँ पे रखा हुआ है पुराना, ठीक है, जिसको चाहिए ले सकता है। अभी यहाँ पे चढ़ाई शुरू, पहले ये रोड बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब था, नया नया शायद काम हुआ अभी। यही असली मजा रोड के यही है, चढ़ाना मतलब चढ़ाई। और आप सब थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, हमारी हिंदी इतनी ज़्यादा अभी
अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और जगह बहुत ही मस्त है, मस्त। अभी व्हीकल को रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी जाके हमें नीचे जाने को मिलेगा, ठीक है। पता नहीं अभी नीचे जाने देते हैं या नहीं, देखने का बाद पता चलेगा।